हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू वैष्णव ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आप एलटी और पॉलिटेक्निक लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों के ये जो इंग्लिश ग्रामर के 100 गोल्डन रूल्स हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी पीडीएफ को, और वन बाई वन आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें कीवर्ड्स जो हैं उन्हें अंडरलाइन करके दूंगा। आप लोग बस उन 100 कीवर्ड्स को अगर कर लेते हैं और गो थ्रू कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 100% आप कर लेंगे। तो जब भी आपको एंड दिखाई दे, ठीक है, तो एंड जब भी दिखाई दे तो आपको सीधे हेल्पिंग वर्ब को एनालिसिस करना उसका, और उसको एनालाइज जैसे ही आप करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल में होनी चाहिए अगर एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट भी ऐड होते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, हरी एंड राम इज नहीं होगा, आर होगा, ठीक है। तो पहला कीवर्ड है आप लोगों का एंड। अब अगर आप लोगों को सेंटेंस में दिखाई देता है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो अगर सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि जब भी द आता है तो द का मतलब आप लोगों का आर्टिकल हो गया। आर्टिकल कोई भी हो, चाहे वो ए एन द में कोई, तीनों में से कोई सा आर्टिकल हो, अगर वो रिपीट हो रहा हो तो इसका मतलब होता है कि वो दो लोगों के बारे में बात हो रही है। जैसे कि द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, यहाँ पे द का रिपीटिशन नहीं है इसलिए ये सिंगल आदमी की बात हो रही है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका इज। अगर यहाँ पे रिपीटिशन हो जाता द, यहाँ पे भी आ जाता द प्रिंसिपल, इसका मतलब दो आदमी होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर आर्टिकल दिखाई दे रहा है, अगर उसका रिपीटिशन, देखिए रिपीट अगर उसको नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब एक ही आदमी की बात हो रही हो, ठीक है। चलिए, एक ही आदमी है, अगले में चले जाते हैं। तीसरा जो रूल है, अगर ईच और एवरी आता है तो हमेशा सिंगुलर आएगा, मतलब आपका कीवर्ड है ईच एंड एवरी। अगर ये दो वर्ड आप लोगों को दिखाई दिए तो आपको सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ऑलरेडी मैंने हेल्पिंग वर्ब और बेसिक सेंटेंसेस पे कैसे डिवेलप अपना सेंस करना उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको ग्रामर वाले सेक्शन में दे चुका हूँ। अगर नीदर नॉर, ईदर और नॉर आता है तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे नीदर नॉर आएगा, अगर कहीं पे आप लोगों को नीदर नॉर आ गया तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको सिंगुलर ही यूज करना है। तो आप लोग इनको सीधा एक लाइन से लिखते हुए चलिए और आप लोग इसे अच्छा कर लेंगे ग्रामर सेक्शन में, ठीक है। व्हेन सब्जेक्ट जॉइन बाय और नॉर विद डिफरेंट नंबर्स, अगर अलग अलग नंबर से डिफरेंट नंबर से जुड़े हुए, देखिए यहाँ पे सिंगुलर ही थे दोनों, लेकिन यहाँ पे अगर अलग अलग हैं तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी। जैसे नीदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर वो प्रेजेंट, तो क्या होगा, तब आप लोगों का प्लूरल आएगा। ध्यान दीजिए, अगर डिफरेंट नंबर्स होंगे, अगर और नॉर आया है और क्या है, डिफरेंट नंबर्स हैं, क्या है कीवर्ड्स, आप लोग इसी तरह से लिखते चलिए, ठीक है। डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं तो आप लोगों का क्या यूज होगा, प्लूरल आप लोगों का यूज होगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर ऑफ डिफरेंट पर्सन, अगर अलग अलग पर्सन आ रहा है और दोनों के दोनों क्या है, वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट ऑफ, अगर और नॉर आया है, ठीक है, और नॉर आ गया आपका, तो ये इसके जो नेक्स्ट वाला होगा उसके साथ में क्या होगा, ये मतलब उसके साथ एग्री करेगा जो नियरेस्ट रहेगा। तो देखिए आई के साथ में एम आया है, देखिए इधर ही और आई एम मिस्टेकन, तो किसके साथ में आया है, लेटर वाले के साथ में, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और नॉर में अगर क्या आ रहा हो, डिफरेंट पर्सन आए हों, क्या आए हों, डिफरेंट पर्सन, ये कीवर्ड है आप लोगों का, डिफरेंट पर्सन आ गया आप लोगों का, तो आप लोगों का क्या होगा, नियरेस्ट, आप क्या कर लेना, इसको नियरेस्ट लिख लीजिए। तो ये आप लोगों का रूल हो गया और नॉर के साथ पूछा जाता है। कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल, ठीक है। तो होल आप सीधे कीवर्ड ले लीजिए, कलेक्शन ले लीजिए, ठीक है, कलेक्शन हो गया। अगर वो होल को दर्शाता है, मतलब एक कंप्लीट सेंस देता है, जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री ग्रुप है, तो अगर वो क्या है, ग्रुप के तौर पर लिया जाता है। जैसे आप लोग देखिए कि द काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या कर लिया, अपने प्रेसिडेंट को ले लिया है, तो मतलब पूरी काउंसिल ने चूज कर लिया प्रेसिडेंट को, मतलब एक जैसा आइडिया सभी दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हैज आएगा। और मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल होगा, अगर प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज्ड आर थॉट आउट। नेक्स्ट आ जाते हैं, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग,
टेक प्लूरल वर्ब, अगर कोई नाउन है उनका वो होते सिंगुलर है, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है उसे आपको सिंगुलर बना लेना है, कीवर्ड बस यही है, ठीक है। इसमें आप लोगों का एस से कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे फिजिक्स, ठीक है, तो आपने आपने क्या किया फिजिक्स, तो एस आप लोगों को दिखाई दिया, हो सकता है कि आप लोगों का सेंस आए कि भी प्लूरल हो सकता है, तो ये प्लूरल नहीं होगा, ये आप लोगों का सिंगुलर ही रहेगा। वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद टुगेदर विद, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, अगर विद टुगेदर विद इन एडिशन एज वेल एज ये सभी आते हैं, ठीक है, देयर फोर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब, तो अगर इस तरह से आ जाता है, अगर विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है, द थीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में, द चीफ, सॉरी थीप नहीं है, चीफ है, चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड, यहाँ पे क्या होगा, चीफ को मारा गया है, विद ऑल हिज मैन का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, अगर विद आ जाता है, टुगेदर विद आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, आपको सीधे सीधे दिमाग में रखना है कि ये सिंगुलर वर्ब आती है इनके साथ में। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी गिवन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ देयर रिलेटिव, यहाँ पे देखिए आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, तो आई हु एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई, तो इससे आप लोगों को अगर हु आ जाता है बीच में, देखिए अगर हु आता है तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो एग्री होगी सब्जेक्ट के साथ में जो फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, मींस आप वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे, पूरी पीडीएफ को देखेंगे, डेफिनेटली अच्छा कर लेंगे। आस्क एडवाइस अलाउ कमांड फोर्स फॉरबिड इनवाइट इनकरेज बैग ऑर्डर इमेजिन इंस्ट्रक्ट परमिट परसुएड टेल रिक्वायर रिमाइंड टीच, ये जो होती है अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे ही इज एडवाइज टू डू इट बाय मी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ही एडवाइज मी टू डू इट, ठीक है, बट दीज आर यूज इन पैसिव वॉइस देन दे आर फॉलोड बाय टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सो करेक्ट क्या हो जाएगा, शी वॉज परमिटेड, क्या हो जाएगा, शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम, मीन्स सीधे सीधी बात यह है कि पैसिव वॉइस आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों का इज एम आर वाज वर, ये आप हेल्पिंग वर्ब्स इनको ले लीजिए और इसके बाद अगर ये वर्ब आ जाती हैं जो ऊपर हमने देखी हैं तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फटाफट देख रहे हैं हम लोग डिटेल में, मैं आप लोगों को ऑलरेडी कोर्स में समझा चुका हूँ, जो वीडियोस मैंने आप लोगों को दी थी 14, उनमें सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई है, बस ये प्रैक्टिस के लिए है और लास्ट टाइम प्रेपरेशन के लिए है। नो इज फॉलोड बाय हाउ वेयर व्हेन व्हाई एंड इन्फिनिटिव, देखिए आई नो टू राइट अ लेटर, तो हमें किस तरह से लिखना है इसको, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, मीन्स जब भी इंग्लिश में कोई प्रोसेस किसी चीज़ को सीखने में लगता है तो उसे हम हाउ टू से लिखते हैं, जैसे आई नो हाउ टू ड्राइव, मतलब मुझे गाड़ी चलानी आती है, आई नो ड्राइविंग नहीं कहेंगे हम लिखेंगे आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो कुकिंग नहीं कहेंगे आई नो हाउ टू कुक कहेंगे, ठीक है। आफ्टर लेट बेड बिहोल्ड सी फील मेक एटसेट्रा, ये होते हैं विद बेयर इन्फिनिटिव एंड नॉट टू इन्फिनिटिव, जैसे आई हर्ड हिम टू स्पीक, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, मतलब इनको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, तो हमें क्या करना है इसमें, इन्हें बेयर यूज करना है, मतलब इसमें हम टू का यूज नहीं करेंगे, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, उसके बाद आ जाते हैं, मीन्स जो ये 100 रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से यूज कर लेना है। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, यू नीड नॉट वर्क हार्ड आएगा, क्योंकि नीड के साथ में हो गया, देखिए इन चीज़ों के साथ में जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, जैसे डेयर नॉट हो गया, नीड हो गया, ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, डेयर और नीड के साथ ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोगों को टू इसमें यूज़ नहीं करना है, इनके साथ में क्या यूज़ नहीं होता है, टू यूज़ नहीं होता है, यही की है आपका। हैड बेटर, हैड बेटर, हैड रादर, हैड एज सून एज, हैड सूनर, ये सब आएंगे, इनके बाद भी क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आती है, बेयर इन्फिनिटिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा,
चलिए देखते हैं। हैड बेटर गो नाउ, हैड बेटर टू गो नहीं होगा, टू गो नहीं होगा, सीधे सीधे क्या होगा, ही हैड बेटर गो नाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ही हैड बेटर रीड देन राइट, ही हैड बेटर रीड देन टू राइट की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। तो अब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से लर्न कर लेने हैं, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सून, एज एंड हैड सूनर एटसेट्रा। व्हेन बट इज यूज्ड एज प्रपोजिशन प्रिसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, देन बट इज फॉलोड विद बेयर इन्फिनेटिव। अगर हम क्या यूज करेंगे, बट का यूज करते हैं और उसको एज अ प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। तो आप सीधे सीधे कीवर्ड कैसे बनाएंगे, बट को अगर प्रपोजिशन एज अ प्रपोजिशन यूज किया जा रहा है तो आप क्या यूज नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 18, इट बीइंग अ रेनी डे। देखिए ये बहुत बार आता है, आप एग्जाम्पल को ही सीधे सीधे रख लीजिए, अगर पार्टिसिपल होगा तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। जैसे बीइंग अ रेनी डे की जगह क्या आएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, बस इतना ही आप लोगों को इसे याद कर लेना, बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे मींस इट का यूज होगा आप लोगों का। नेक्स्ट आ जाते हैं जो आप लोगों का नेक्स्ट है उसमें आप लोग देंगे, हैविंग वर्ब फॉर्म इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस वेयर इज हैविंग बीइंग एंड वर्ब फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, क्या यूज हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे आफ्टर द लीडर हैविंग बीइंग किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, द लीडर हैविंग बीइंग किल्ड, हैविंग बीइंग किल्ड, तो यहाँ पे हमें क्या यूज नहीं करना है, आफ्टर यूज नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर का ही सेंस पूरा सेंटेंस दे देता है। द लीडर हैविंग बीइंग किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, यहाँ पे जैसे ही लीडर को मार दिया गया तो फॉलोअर्स भाग गए, तो यहाँ पे आफ्टर का सेंस नहीं आता है। अगर हैविंग के साथ में, देखिए हैविंग प्लस वर्ब फॉर्म थर्ड के साथ में हम आफ्टर यूज नहीं करेंगे। अब जब हमारे पास में हैविंग वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, थर्ड फॉर्म यूज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, हैविंग बीइंग के बाद में। 20 देखते हैं, पार्टिसिपल्स लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग एटसेट्रा डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, इनका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। जैसे कंसिडरिंग, हमने देखे यहाँ पे हमने इट बीइंग यूज किया था, यहाँ पे क्या है, इट बीइंग यूज किया था हमने, ठीक है। पार्टिसिपल का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी है जहाँ पे नहीं लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे कंसिडरिंग द केस इट टुक द डिसीजन, ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बीइंग रेनी के साथ में यूज होगा। अब देखिए यूजेस ऑफ वर्ब में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे थ्री किल्ड एंड वन वर इंजर्ड, थ्री वर किल्ड एंड वन वॉज इंजर्ड, मतलब इसमें दोनों के दोनों अलग हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज दोनों तरफ यूज करना है। आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड माई सिस्टर 14, माई देखिए सिंगल वर्ब जो होती है मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट, देखो शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली वैन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट, अगर दोनों क्या हैं एक जैसे हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है दोनों का एक ही जैसा है, तो तब हम यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हमें उसे अलग अलग यूज करना है। आई एम 17, माई सिस्टर इज 14, डबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। टू ऑक्सिलरीज अगर यूज हो रही है, कैन बी यूज विद वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली वैन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ द ऑक्सिलरीज, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स मेजर्स, ठीक है। तो देखिए क्या यूज हो रहा है, ही नेवर हैज, ठीक है। अब वर्ब क्या है, यहाँ पे जो वर्ब है वो हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो हमें दोनों जगह इसको यूज करना पड़ेगा, दोनों जगह यूज नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ब हमें क्या करनी है, दोनों के साथ में अलग अलग, मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर डिफरेंट है तो हमें वर्ब भी डिफरेंट यूज करनी पड़ेगी, अगर हेल्पिंग वर्ब सेम होती है तो हम यूज कर सकते हैं सेम। व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी टू प्रिंसिपल वर्ब्स इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विद द बोथ, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड वन फेज, तो 10 कैंडिडेट्स के साथ तो हैव यूज होगा लेकिन वन के साथ में हैज यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट जो मैंने आप लोगों को करवाया था
अगर आपको अभी तक हेल्पिंग वर्ब पूरी टेंसेस की लर्न नहीं है तो अभी भी कर लीजिए। टेंसेस टेंस चार्ट अगर आपको लर्न हो जाता है तो काफ़ी हद तक आप, अगर आपने 14 वीडियोज देखे, 14 वीडियोज क्या है, लगभग आप लोगों की एक वीडियो 20 to 20+ की है, तो अगर आप इसे तैयार कर लेते इतना तो 14 वीडियो करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर दो या दो से तीन दिन में भी आप लोग ग्रामर वाला पार्ट अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर आप लोगों ने किया है तो। अ पास्ट टेंस इज इन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज। अगर क्या हुआ, मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट ही होना चाहिए। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, तो इसे हम टेंस स्विच भी कहते हैं। हमें टेंस स्विच सिंगल सेंटेंस में हम टेंस स्विच नहीं कर सकते हैं। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड मीन्स दोनों में क्या होना चाहिए, जो आपका मेन क्लॉज है या आपका मेन क्लॉज है सबॉर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, दोनों में सेम वर्ब होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास में सबॉर्डिनेट क्लॉज है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रहा है, मतलब दुनिया में वो सच होनी चाहिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सन अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपका होना क्या चाहिए यहाँ पे, ये चेंज नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पार्ट में बताया था। व्हेन दिस सबॉर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के साथ में आप लोगों को हमेशा शुड यूज करना है, बस इसे बस इतना याद रख लीजिए, इतना करना है आप लोगों को, लेस्ट प्लस शुड होना चाहिए, बस इतने इतना अगर आप लोगों को याद रहेगा तो लेस्ट जहाँ भी आएगा शुड आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। आई होप टू रिप्लाई इमिडिएटली टू योर लेटर। ओके, एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन द टू, अब उसके बीच में आप लोगों को क्या यूज नहीं करना है, टू यूज नहीं करना है। पार्ट ऑफ द इन्फिनेटिव, दिस इज कॉल्ड द स्प्लिट इन्फिनेटिव। आई होप टू इमिडिएटली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, होप्ड टू रिप्लाई होना चाहिए, तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, आई होप टू रिप्लाई, होप्ड टू रिप्लाई इमिडिएटली टू योर लेटर, तो आप लोगों को इसको इसी सीक्वेंस में यूज करना है। मीन्स अगर आपके पास में एडवर्ब वाला आ जाता है तो आप लोगों को उसे साइड में यूज करना है। एंड इन्फिनिटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। इट शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर, अगर आप लोग देखेंगे कि इन्फिनिटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस, इन्फिनिटिव जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, अगर वो क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब, जो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। आई शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर। नेक्स्ट आ जाते हैं जेरिन, अगर आप लोग जितने करेक्ट सेंटेंसेस हैं उन्हें भी अगर आप लिख लेते हैं और बार बार उन्हें भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर याद रहेगा और आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। ही एम्फसाइज्ड मी गोइंग देयर, ही एम्फसाइज्ड माय गोइंग देयर, ये हो जाएगा जेरन इफ। जेरन क्या होता है, जेरन आप लोगों की वो वर्ब होती है जो नाउन का काम भी कर रही होती है और वर्ब का काम भी कर रही होती है। मैंने जो वर्ब वाला पार्ट था उसमें सारी टाइप के वर्ब्स आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, जिससे कि आप लोगों को टेक्निकल चीज़ों में दिक्कत ना आए। प्रोनाउन जेरन इफ प्रिसीडेड बाय अ प्रोनाउन, अगर जेरन के बाद में क्या आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, यूज दैट प्रोनाउन मस्ट बी पजेसिव केस, वो पजेसिव केस में हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग मी गोइंग की जगह क्या हो जाना चाहिए, माई गोइंग हो जाना चाहिए। अगर आपको प्रोनाउन चार्ट भी याद नहीं है तो एक बार आप प्रोनाउन चार्ट जरूर याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप लोगों को ग्रामर, एक बार कमेंट आया था मुझे कि सर मुझे जो ग्रामर है उसमें दिक्कत आती है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है, अगर आपको प्रोनाउंस याद नहीं है, ठीक है, आपका जो प्रोनाउन चार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तब जाके इन दोनों के बाद में और आपके पास सेंटेंस का जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये इतनी चीज़ें अगर आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप वो वीडियोस पूरी तरह से एक बार देख लीजिए, सही हो जाएगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड
ओके, सिंस एंड फॉर का आप लोगों को पता होगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। सो ओके, सिंस, फॉर एंड हाउ लॉन्ग, अगर आपका जो एडवर्बियल्स ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंस एंड फॉर, यहाँ पे हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ वर्ब व्हेन प्रिसीडेड बाय अ प्रेपोजिशन मस्ट बी अ जेरंड। अगर क्या होता है, एक वर्ब जो है उसको प्रिसीड किया जाता है प्रेपोजिशन के द्वारा, तो वो क्या होना चाहिए, जेरंड यूज होना चाहिए। जैसे देवर पनिश्ड फॉर, फॉर आ गया है, ठीक है, तो फॉर आ गया है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, कमिंग लेट आना चाहिए। देवर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले देखिए जो वर्ब है उसके पहले क्या यूज हुआ है, प्रपोजिशन यूज हुआ है। तो आप लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं इसको, कि जैसे एक वर्ब के पहले अगर प्लस यहाँ पे प्रपोजिशंस आ गया, आपका प्रेप लिखे वर्ब कर लीजिए, तो क्या होना चाहिए आप लोगों का, जेरंड यूज होना चाहिए। जेरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, तो आईएनजी फॉर्म यूज होनी चाहिए। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज इन द क्लॉजेज ऑफ टाइम प्लेस एंड कंडीशन, हियर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज। देखिए, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क, आई शैल वेट यू फॉर यू फिनिश योर वर्क। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर विल यूज हो गया है, मीन्स फ्यूचर यूज हो रहा है, तो उसके साथ में प्रेजेंट का ही कॉम्बिनेशन बनता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज विद द वर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे 1990 एंड हियर पास्ट इंडेफिनिट। सीधी सी बात यह है कि अगर पास्ट का इंडिकेशन देने वाला कोई भी वर्ड यूज होता है, तो आप लोगों को सीधे पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट प्लस आप लोगों का डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, यही पास्ट इंडेफिनिट है। तो चलिए देखते हैं इसको, आई बॉट अ साइकिल, यस यहाँ पे देखिए आई हैव बॉट आ गया है और यस्टरडे आ गया, क्योंकि यस्टरडे आ गया इसलिए हैव यूज नहीं होगा, सीधे बॉट आएगा। आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे, ये करेक्ट है, क्योंकि यस्टरडे टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, वहां पे आप लोगों का मीन्स इंडिकेशन देता है पास्ट का। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, तो आई व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज रिप्रेजेंट अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन। अब इसमें आप लोगों को सीधा सीधा ये याद रखना है कि अगर दो पास्ट आ जाते हैं एक साथ में, पास्ट एंड पास्ट, ठीक है, तो एक पास्ट में आप लोगों का हैड यूज हो जाएगा, मीन्स परफेक्ट टेंस आप लोग यूज करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज्ड।